री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है और हम लोग आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि जीआई टैग जिसे संक्षिप्त में कहते हैं और हिंदी में भौगोलिक संकेतक कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि ये वास्तव में क्या इसका मतलब होता है और किन किन उत्पादों पर किन किन क्षेत्रों में यह लागू होता है और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यह कितना महत्वपूर्ण है तथा हाल में यह क्यों चर्चा में रहा है। देखिए, एक और चीज़ हम लोगों को समझना है कि जैसे जब हम किसी भी टॉपिक का अध्ययन करते हैं तो हमारा अप्रोच हमेशा से ही कंसेप्चुअल होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी टॉपिक का नाम हम लेते हैं तो उससे संबंधित अंतर संबंधित जो भी पक्ष और पहलू हैं वो हमारे मस्तिष्क में जो है एक स्ट्रक्चर के रूप में आ जाना चाहिए। इससे क्या है कि न केवल आप प्रीलिम्स में बल्कि मुख्य परीक्षा में आज के समय में जो ट्रेंड है क्वेश्चन पूछने का, वहां पे भी आपका उत्तर लेखन में आपको मदद करेगा। तो हमेशा से ही जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसमें एक स्ट्रक्चर आप अपने माइंड में जरूर बनाने का प्रयास कीजिए। जब आप एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने उत्तर का लेखन करने में आपको मदद मिलता है। अलग डायरेक्शन में नहीं जाते हैं आप और अपने जो शब्द सीमा की मर्यादाएं हैं उसे भी समय के अंतर्गत पूरा कर लेते हैं, जिससे न केवल उत्तर लेखन पूर्ण होता है बल्कि समय का प्रबंधन भी होता है। तो जैसे मान लीजिए इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं तो इसमें किस तरीके से बन सकते हैं पॉइंट्स आपका, कि जैसे भौगोलिक संकेतक ये क्या है। सबसे पहला तो यही एक पॉइंट बनता है, दूसरा इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। अगला इसमें आ जाता है, इसमें संस्थागत प्रावधान, संस्थागत प्रावधान। और हमेशा से ही ये टॉपिक अगर जुड़ जाता है हाल में चर्चा में ये क्यों रहा है, तो ये जो है इतने पॉइंट हर सवाल में आपके बनते हैं। इसके बाद आप भी उस महत्व भी लिख सकते हैं और इसके बाद आप अपना मत भी दिखा सकते हैं, तो इसके माध्यम से आपका उत्तर लेखन जो है प्रभावी हो जाता है और एक स्ट्रक्चर उसको मिल जाता है। तो अगर इसी टॉपिक के संदर्भ में देखें कि भौगोलिक संकेतक क्या है, तो भौगोलिक संकेतक जैसा कि नाम आप देख रहे हैं ज्योग्राफिकल है और भूगोल या भौगोलिक ये शब्द आ रहा है, तो किसी क्षेत्र विशेष के उत्पादित और निर्मित कृषि या कोई भी वस्तु है जिसे प्रदान किया गया एक ऐसा संकेतक जो उस क्षेत्र में उत्पादित होने के कारण से अपने विशिष्ट गुण अपने विशिष्ट विशेषता के कारण से प्राप्त करता है उसे भौगोलिक संकेतक या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग कहा जाता है। जैसे किसी क्षेत्र में कोई वस्तु उत्पादित होती है, वह उस क्षेत्र में उत्पादित होने के कारण से उसकी अलग किस्म की अगर गुणवत्ता है, अलग किस्म की विशेषता है, अलग किस्म की बनावट या आकार है, तो उसे जीआई टैग प्रदान किया जाएगा और जीआई टैग के कारण से ही वह उसकी अपनी एक अलग पहचान बन जाती है। जैसे मान के चलिए कि प्रतापगढ़ में आंवले का लड्डू यह जो है एक निर्मित उत्पाद है, तो अब यह उस क्षेत्र में उत्पादित होता है और उस क्षेत्र में उत्पादित होने के कारण से उसको यह जो टैग दिया जाएगा, संकेतक जो प्रदान किया जाएगा, वह भौगोलिक संकेतक हो जाएगा। इस तरीके से जैसे आप अगर इलाहाबाद में देखेंगे तो वहाँ लाल रंग के अमरूद बड़ी मात्रा में उत्पादित होता है जिसे सुर्खा अमरूद भी कहा जाता है, तो वहाँ की भौगोलिक दशाएं या वहाँ के क्षेत्र के कारण से उत्पादित इस वस्तु या इस उत्पाद की विशिष्ट गुणवत्ता के कारण से, विशिष्ट किस्म की विशेषता के कारण से उस वस्तु को प्रदान किया जाता है तो उसे भौगोलिक संकेतक कहा जाता है। और इसके संदर्भ में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण ने इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ट्रेडमार्क की तरह से जो देखता है, जो कि बौद्धिक संपदा अधिकार का एक हिस्सा भी माना जाता है, ये भौगोलिक संकेतक इसके अंतर्गत जो है आता है और इस पर पेरिस अभिसमय लागू होता है
औद्योगिक उत्पादों के संरक्षण से संबंधित जो है पेरिस अभिसमय इस पर लागू होता है, इस पर पेरिस अभिसमय, यह भी सवाल परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। पेरिस अभिसमय इस पर लागू होता है, किस पर? भौगोलिक संकेतक के संदर्भ में पेरिस अभिसमय क्रियान्वित होता है और इस पर अपेडा यानी ने जो है इसी को जो है कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसे कहा है कि यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक ट्रेडमार्क की तरह से लागू होता है और बौद्धिक संपदा अधिकार का एक हिस्सा होता है जिस पर पेरिस अभिसमय को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो यह कुछ इसके जानने या क्या है या इसके परिभाषा या इसके अर्थ के अंतर्गत इन सभी जो है प्रावधानों को, इन सभी विशेषताओं को आप सम्मिलित करेंगे। विशेषताओं के अंतर्गत अगर देखा जाए तो यह इसके भौगोलिक संकेतक जिन भी कृषि उत्पाद या विभिन्न प्रकार की निर्मित वस्तुओं को प्रदान किया जाता है उसकी अपनी एक विशिष्ट किस्म की जो है गुणवत्ता होती है, उसकी गुणवत्ता होती है, गुण इसमें जो है एक फैक्ट होता है। दूसरा यह होता है कि इसके रंग या आकार के आधार पर इसमें अलग किस्म की जो है वो विशेषताएं होती हैं, विशेषताएं पाई जाती हैं, रंग है, गुण है। तो कुल मिलाकर के भौगोलिक संकेतक किसी स्थान विशेष के कारण उत्पादित किसी कृषि उत्पाद या निर्मित वस्तुओं में विभिन्न विशिष्ट प्रकार के जो है उसकी विशेषताएं और विशिष्ट प्रकार के गुण का आश्वासन देता है और इसी के कारण से इसे भौगोलिक संकेतक प्रदान किया जाता है, जीआई टैग इसको प्रदान किया जाता है। अब यहां पर एक सवाल उत्पन्न होता है कि जीआई टैग प्रदान करने की क्या प्रक्रिया क्या है, इसे जान लेना जो बहुत आवश्यक है, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण भी हो सकता है। तो इसके लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 भी बनाया गया है, 1999 भी बनाया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 बनाया गया है, जिसे 2003 ईस्वी से प्रभावी किया, प्रभाव में है। दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि एक्ट से अगर संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो 99 होगा और प्रभाव ये जो है 2003 में आया हुआ। ये तो एक्ट हो गया, ये नियम हो गया जिसके अंतर्गत किसी वस्तु या निर्मित पदार्थ को इस तरीके से टैग प्रदान किया जाता है और इसके लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ऑफिस बनाई गई है। यह रजिस्ट्री ऑफिस चेन्नई में है, यह महत्वपूर्ण सवाल है, चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में है, चेन्नई में यह स्थापित किया गया जहां पर एक रजिस्ट्रार बैठते हैं और इस कार्यालय के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया का विनियमन रेगुलेशन किया जाता है। और अगर किसी वस्तु को जीआई टैग प्रदान किया जाता है तो यह 10 वर्ष के लिए प्रदान किया जाता है, यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये एक्ट है, एक्ट का प्रभावी तिथि है और इस एक्ट को क्रियान्वित करने के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री कार्यालय जो कि चेन्नई में बनाया गया है जहां पर एक रजिस्ट्रार बैठते हैं जिसके माध्यम से इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने का कार्य किया जाता है। और यदि इसके अंतर्गत किसी वस्तु को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग प्रदान किया जाता है तो वह बेसिकली 10 वर्ष के लिए लागू होता है। तो ये कुछ क्रमागत रूप में तथ्य हैं जो आपके इस कॉन्सेप्ट को और प्रभावी करते हैं और आपके उत्तर लेखन को एक ठोस आधार प्रदान करते हैं जिससे एग्जामिनर आपके उत्तर की तरफ अट्रैक्ट होता है और आपका नॉलेज और किसी भी विषय पर या इस विषय के अंतर्गत पूछे गए सवाल पर आपके नॉलेज को प्रभावी बनाता है। तो ये रही जो है भौगोलिक संकेतक के जो है आशय, इसकी विशेषताएं, संस्थागत प्रावधान में ही एक्ट और रजिस्ट्री कार्यालय तथा उसके अंतर्गत प्रदान किए गए 10 वर्ष की व्यवस्था है और इस पर पेरिस अभिसमय अगर इंटरनेशनल जो है कानून की बात किया जाए तो इस पे औद्योगिक उत्पाद संरक्षण पेरिस अभिसमय इस पर लागू होता है। हाल में चर्चा का कारण यह रहा है कि अभी हाल में ही जो है 20 राज्यों के 21 उत्पादकों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। हालांकि इस तरीके के टैग प्रदान करने के पीछे एक मंशा ये होती है कि इस तरीके से विशिष्ट किस्म के क्षेत्र, विशिष्ट किस्म की भौगोलिक दशाएं तथा उसमें उत्पादित होने वाले अलग
रंग आकार विशेषता और गुणवत्ता की जो है वस्तुओं की पहचान को जो है सामने ले आना है, जिससे कि न केवल गुणवत्ता पूर्ण वस्तुओं या गुणवत्ता पूर्ण कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाया जा सके, बल्कि इसके कारण से उस स्थान की पहचान भी रेखांकित और सुनिश्चित होती है। तो इन सभी कारणों से अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादित होने वाले विशिष्ट प्रकार के कृषि उत्पाद या निर्मित उत्पादों को जीआई टैग प्रदान करने की एक संस्थागत व्यवस्था बनाई गई है, जिसके अंतर्गत अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश में 20 डिस्ट्रिक्ट के 21 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो अब आप ये समझिए कि ये मेंस में भी ये टॉपिक है आपके और प्रीलिम्स में जो समान रूप से ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि परीक्षा में अगर देखा जाए तो दो तीन टाइप के सवाल बनते हैं किसी भी परीक्षा में, चाहे वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो या मेंस में। हालांकि हम लोगों का टारगेट ये होना चाहिए हमेशा मेंस के अप्रोच से पढ़ाई करना। कुछ पॉइंट्स एंड कुछ टॉपिक हो सकते हैं जो फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे करंट के टॉपिक ज्यादातर होते हैं इस जो है एक एरिया में, लेकिन अन्य जो परंपरागत हमारे टॉपिक हैं उसे हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में या थियोरिटिकल कंसेप्चुअल स्टडी के रूप में पढ़ना चाहिए, जिससे कि वहां से अगर मिलते जुलते सवाल या उसे कुछ उसके नेचर को चेंज करते हुए सवाल पूछा जाता है तो भी हम उसका उत्तर लेखन करने में सफल हो पाए। तो इसलिए हमेशा ही किसी टॉपिक को अगर आप पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को स्ट्रक्चर वे में पढ़िए। परीक्षा में दो तीन टाइप के जो सवाल पूछे जाते हैं सामान्यतः, उसमें कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिन पर कमीशन या एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी यह अपेक्षा करती है कि कैंडिडेट उस पर लिखे, लिखने की आदत या लिखने की क्षमता का आकलन करती है। दूसरा कुछ होता है जो कि तैयारी के लिए, एक प्रभावी तैयारी के आधार पर आप लिख सकते हैं। और तीसरे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, जो अलग प्रश्न में शब्दों का समावेश अलग तरीके से होता है किंतु उसका संकेत किसी अलग उत्तर की तरफ से होता है। ये स्टैंडर्ड किस्म के सवाल होते हैं और सही तरीके की परीक्षा आपके इन्हीं सवालों पर होती है। आपके इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, ये टॉपिक हैं, इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप समझिए कि इसी श्रेणी का होता है। अगर इस पर आप उत्तर लेखन करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि सामान्य किस्म के सवाल जैसे 1857 की क्रांति भी पूछी जाती है और इस सवाल को लेकर के एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी का यही रुख और यही अपेक्षा आपसे होती है कि आप केवल इस पर लिखिए। आपकी लेखन क्षमता को देखा जाता है कि आप कितने शब्द लिख पाते हैं कि नहीं, प्रश्न को पूरा कर पाते हैं कि नहीं, आप समय का प्रबंधन कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन जब आप ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा जाएगा या पेरिस सम्मेलन पूछे जाएंगे जलवायु परिवर्तन को लेकर के, या जीआई टैग पूछा जाएगा, इसी तरीके से जो और अलग अलग किस्म के जो समसामयिक मुद्दों से भी संबंधित होते हैं, वहां पे आपके उच्च स्तरीय समझदारी, उच्च स्तरीय जो है तैयारी की परीक्षा कंडक्टिंग बॉडी लेता है। और अगर ऐसे सवालों पर आप उत्तर लेखन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे मार्क्स भी प्राप्त होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ बताने का जो भाव है, जो संदेश है, वो चीज़ आप लोग जो है समझ रहे होंगे और इसके आधार पर जो है पढ़ाई करेंगे, जिससे एक उच्च स्तरीय जो है समझदारी आपके टॉपिक के प्रति, आपके एग्जाम के प्रति, एग्जाम में आपकी दावेदारी के प्रति आपकी जो बढ़ती है और इससे आप अच्छी तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के इस संक्षिप्त सेशन में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।